नमस्कार, कैसे हो आप? देखो, अगर आप इस वीडियो को इस मोटिव से देखने के लिए आए हो कि ग्रैंडली की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जो आपको बेहतर रैंक ला कर दे, क्या लॉजिक्स लगने चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करनी चाहिए जो आपका पैसा ना डूबाए, तो एकदम सही जगह पर आए हो। क्योंकि मैं आपको बेट करके बोलता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो विद इन 7 डे आप ग्रैंड लीग में बेहतर जरूर करोगे, आप ग्रैंड लीग से प्रॉफिट कमाओगे। तो मेरे भाई, बने रहना इस वीडियो के अंदर अगर आप इस टॉपिक को लेकर सीरियस हो। अगर आपको सच में कुछ सीखना है, कुछ समझना है, अगर आपको सच में बेहतर करना है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल ही के दिन हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि हमें 39 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये रिटर्न मिला, जो मैं वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि क्या पता मुझे स्ट्राइक लग जाए। तो भाई, आप उस चीज़ को इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। बस हमारा एक प्लेयर फ्लॉप हो गया हमारे भाई। अगर हम इनके जगह पर ना दूसरे प्लेयर को रखते जिसने परफॉर्म करके दिया था, तब पक्का हमारी रैंक 1 मेगा ग्रैंड लीग के अंदर भी रहती। तो इधर आपको वे भी लॉजिक बताऊंगा कि आप सिर्फ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। लेकिन मेरे भाई, सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप फैंटेसी में बेहतर प्लेयर बन सको, फैंटेसी क्रिकेट के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सको, लॉस से बच सको, सीख सको, समझ सको और कमा सको। और ऐसे आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना, जो आपको मजा आएगा, आप लाइक करके ही जाओगे। हाँ, एक और चीज, हम टीम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल लीग की या फैंटेसी क्रिकेट की, तो भाई हम वे टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं और आपको बहुत चीज सिखाते भी हैं, जैसे कि कैसे आप पैसे अपने बचा सकते हो, बेहतर तरीके से खेल सकते हो। तो आप लोग टेलीग्राम को भी हमारे जरूर से ज्वाइन कर, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके कॉमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में आओगे, telegram.me करके लिंक मिल जाएगा, इस पर टैप करके सीधे ज्वाइन करो। सेम लिंक कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले पता है आपकी पहली मिस्टेक कहाँ रहती है? आप जो कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं रहता। अब आप लोग पूछो, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखो, सबसे पहले तो मैच कोई भी हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान रखना रहता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, किस टीम का बेहतर रिसेंट फॉर्म है, किस टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है। यह चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहती है। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्टेबल है कि अभी ये दोस्तों जो मैचेज है, इसमें दोस्तों सभी टीम्स एक दूसरे को बेहतर टक्कर देती है, लेकिन कुछ मैचेज आपको ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिसमें दोस्तों टीम बहुत स्ट्रांग तो एक टीम बहुत कमजोर होती है। जैसा कि एग्जांपल दूं तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ले लो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो वेस्ट इंडीज और इंडिया का ले लो, मतलब जो भी एक वीक एक स्ट्रांग टीम। तो सबसे पहले तो आपको हर बार ये चीज को प्रेडिक्ट करना रहता है, देखना रहता है, एनालाइज करना रहता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है जो टीम स्ट्रांग है वे दोस्तों मैच को विन करने की दम रखेगी। अगर वे मैच को विन करेगी तो उनके प्लेयर परफॉर्म करेंगे, अगर उनके प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो फैंटेसी पॉइंट स्कोर करेंगे और उन्हें आप अपने टीम में रखोगे। नंबर टू, जो कोई भी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन बनाओ या ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाओ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या रहता है? पिच रिपोर्ट। क्योंकि दोस्तों पिच रिपोर्ट से ना मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम पर अगर आप देखोगे, टीम अगर मान लो दोनों टक्कर वाली है तो देखोगे चेस करने वाली टीम का कंपेयर टू बैट फर्स्ट ज़्यादा दबदबा रहता है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलता है। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको बहुत सारे जगह पर मिल जाता है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग देते हैं, या हम भी अगर मैचेज को कवर करते हैं तो बता देते हैं, नहीं तो बहुत सारे ट्रस्टेड आपको साइट्स भी मिल जाती हैं जो आपको गूगल पर देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आपको परफेक्ट पिच रिपोर्ट मिलता है, या मैच स्टार्ट होने से पहले जो बड़े बड़े मैचेज हैं उधर भी आपको, मतलब भाई जो एक्सपर्ट्स वहां पर रहते हैं वे ही आपको बता देते हैं। तो नंबर वन, आपको क्या देखना है कि कौन सी टीम वीक है, कौन सी टीम कमजोर है। नंबर टू, पिच रिपोर्ट क्या है। नंबर थ्री दोस्तों, टॉस को भी आप ध्यान में हमेशा रखने की कोशिश करना। अब आप लोग पूछोगे टॉस को क्यों रखना है? क्योंकि मान लो देखो, जो टीम का होम ग्राउंड रहता है, ठीक है ना, उनको होम बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जैसा कि मान लो अगर कोई बाहर की कंट्री आती है इंडिया में मैच खेलने, तो दोस्तों पता है कि क्राउड बेसिकली चीयर करेगी इंडिया को, तो भाई जो साउथ अफ्रीका है उन पर दोस्तों प्रेशर भी थोड़ा पड़ने लगता है। तो ऐसे ही मतलब, और टॉस इसलिए ज़्यादा जरूरी रहता है ना कि टॉस पर प्लेयर्स क्या कहते हैं। मान लो हमारा होम ग्राउंड है तो हम इस पिच को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हमारा क्या स्टेटमेंट है, सामने वाली टीम का क्या स्टेटमेंट है, वीक टीम का क्या स्टेटमेंट है, जो स्ट्रांग टीम है उसका स्टेटमेंट क्या है पिच टॉस को लेकर, क्योंकि वे भी बहुत ज़्यादा मायने करता है। नंबर फोर, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन और मैच प्रेडिक्शन,
आप सबसे पहले तो इन जो मैंने आपको स्टार्ट के चार चीज़ें बताया उसे देखकर और फॉर्म और रिसेंट स्कोर्स को देखकर आप ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि मैचेज किस हिसाब से चल सकते हैं। जैसे कि मान लो श्रीलंका यहाँ पर टॉस विन करके बॉल फर्स्ट करती है, ठीक है, तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि श्रीलंका चेस करते हुए हारेगी या नहीं। ठीक है, चेस करते हुए श्रीलंका के मतलब ऑन दिस वेन्यू, अगर मान लो श्रीलंका हारती है चेस करते हुए, तो ऑन दिस वेन्यू कौन से प्लेयर्स को ज़्यादा मदद मिलता है सेकेंड इनिंग के अंदर, श्रीलंका के प्लेयर्स किस तरह के प्लेयर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, क्या वे स्पिनर है, क्या वे बेहतरीन पेसर है, क्या वे स्विंग बॉलर है, और ओवरऑल इन सभी को मिलाकर आपको इस चीज़ को देखना है कि मैच चलेगा कैसे। जैसा कि मान लो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसा ये कॉम्बिनेशन को ले लो, अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को वन साइडेड फेवर किया है, तो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर जो है, ठीक है ना, जो ओपनर्स प्लेयर है वो बहुत सस्ते में निपट जाएंगे, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन मिलकर 120-30 के आसपास से स्कोर करेंगे और पाकिस्तान इस मैच को वन साइडेड निकालने की दम रखेगी। तो वही लाजमी से कॉम्बिनेशन है, मैंने इनके पांचों मेन बॉलर्स को रख लिया, उसके बाद इनके ओपनर्स को रख लिया, क्योंकि मैच तो 10 विकेट से ही इनको निकालना है, वही चीज़ है। ओपनर को इसलिए फ्लॉप होना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों नई बॉल से बॉलिंग कराने वाले हम उस एम हुसैन और हरीश रॉफ को रखे हैं जो परेशान कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह आपको अपनी कॉम्बिनेशन को बनाना, पर मतलब मैच लॉजिकल तो होना चाहिए ना मेरे भाई, ये ना कि आप ओपनर को भी रख लिए, आप हरीश रॉफ और दोस्तों हसनैन को कैप भी सी बनाकर जा रहे हो, हाँ तो क्या लॉजिक बनता है। जब दोस्तों ओपनर फ्लॉप होंगे तब ना हरीश रॉफ और हसनैन को विकेट मिलेगा, हसनैन को विकेट मिलेगा, लाजमी सी बात है। तो वही चीज़ है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नई बॉल से बॉलिंग कौन करेगा। अब भुवनेश्वर कुमार को कैप बनाकर जा रहे हो, अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने 5 विकेट निकाला, अब भुवनेश्वर को कैप बना दिए और आप गुरबाज को भी रख लिए, आप जजाई को रख लिए और भुवनेश्वर 5 विकेट निकाल गया, तो वह भाई तब ना 5 विकेट निकालेगा जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। तो वही ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और एक गोल्डन टिप ले लो आप, ठीक है, देखो बड़े मैचेस पर नजर सबका रहता है, ठीक है ना, मतलब सभी लोग उसी पर ध्यान रखते हैं। ग्रैंड लीग को विन करने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए कंपलसरी क्या होता है कि आप सीरीज पर टाइम स्पेंड करना, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट सब लोग देखने आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाबर 100 रन स्कोर किया, कोहली ने 71 अपना सेंचुरी स्कोर किया, लेकिन किसी को ये याद नहीं होगा कि भाई 50 स्कोर करने से पहले ही कोहली भाई साहब का कैच ड्रॉप हुआ था, ठीक है, लेकिन हमने रिजल्ट देखा कि 122 हुआ, लेकिन वहां पर 41 पर भी विकेट्स उनकी जा सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सच में फैंटेसी में प्रॉफिट कमाना है, तो जैसा कि मान लो अगर आप कोई भी सीरीज पकड़ते हो, जैसे एसी या कप ही आपने पकड़ा, तो इसके शुरू से लेकर एंड तक हर मैचेस को देखो। जैसे कि मान लो आपको विन करना है श्रीलंका के मैच में ग्रैंड लीग, तो श्रीलंका का एक भी मैच मिस करो ना करो, हो सके तो इनका मतलब पूरा एशिया कप ही देखे जाओ, क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। जब अपने आंखों से देखोगे ना, तब दोस्तों रिजल्ट का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, चीज़ों को आप समझोगे। एक ये हुआ गोल्डन टिप नंबर 2 कि बड़े मैचेस पर निगाहें सबकी होती है, ठीक है, मैंने क्या बोला, बड़े मैचेस में निगाहें सबकी होती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भैया ये कोहली है, ये रोहित है, ये लोकेश राहुल है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मैचेस को देखते हो, डोमेस्टिक मैचेस को मतलब जैसे मान लो सीरीज आता है टी20 का, 6 दिन लगातार रहता है, आप हर मैच को देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और उसके बाद कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तब उसमें आपके अलग ही मजे हैं। क्योंकि दोस्तों उस केस में ना देखो, यहाँ पर जो प्लेयर है ना, ये हमारे वाइस कैप्टन, इनका सिलेक्शन एज अ प्लेयर मात्र 7% था, दुनिया ने रखा नहीं था, मैं इन्हें देखा था, मैं बहुत पहले से इनको देखते हुआ आ रहा हूँ ECL से ही, तो मैंने इन्हें डायरेक्ट वाइस कैप्टन को लिया। लोग कन्फ्यूज हो गए भाई कैसे कर दिया, मुझे पता है भाई, क्योंकि मैंने इनको देखा है खेलते हुए, मुझे पता है कि भाई ये अपनी टीम के हार्दिक पांड्या है, तो हम काहे नहीं करे वे। तो वही चीज़ है, जो छोटे मैच होते हैं, ठीक है ना, आप उनको अगर टारगेट करोगे, उन पर अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा कि उस मैच में जो टीम्स हैं उनके कोहली कौन है, रोहित कौन है, पांड्या कौन है, बुमराह कौन है। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कि मान लो हम जानते हैं कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी से फ्लॉप हुए जा रहे हैं, फिर भी आप पिक करके चल रहे हो, ठीक वही प्रकार छोटे मैचेस को अगर आप देखोगे, तो जैसे ही प्लेयर्स 2-3 मैच फ्लॉप हो जाता है ना, तो उसको लोग हटा देते हैं अपनी टीम से, ठीक है ना, और आप उसे अगर आप जानते हो, उसको देखे हो, तो भाई आप उसे कैप बिजी बनाओगे जब दुनिया हटाएगी, अगर वे परफॉर्म करेगा तो आपको भी ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला कर देगा। तो ये सबसे मेरे नज़र में गोल्डन टिप लगती है, ठीक है ना, कि आप छोटे मैचेस पर टाइम स्पेंड करो। 7 दिन का कोई भी सीरीज चलता है, ठीक है ना, टी20 के या कोई भी सीरीज 15 दिन का चलता है हो सके तो, या महीने भर का चलेगा, आप उसके हर मैच को देखोगे, प्लेयर को समझोगे, उसके बाद उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे लॉजिकल कॉम्बिनेशन को बनाकर, तब एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आप रैंक 1 जरूर लाओगे, ठीक है। देखो वीडियो कुछ नहीं था, मैं
ऑडियो तो यूट्यूब पर डाल सकते नहीं, तो मैं टिप ही आपको दिया, ठीक है ना, वीडियो के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो तो आपको कंफर्म पसंद आया ही होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें शायद आपको कोई बताए, क्योंकि दोस्तों लोग आते हैं सस्ते में कुछ भी बताकर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओपन टीम से ही बहुत बार बहुत लोगों को अच्छा खासा ग्रैंडिगो मिनीजिगो प्रॉफिट अर्न कराया है, आप भी लोग जानते हो, जिसे आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हर चीज़ समझ में आई हुई, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं टेलीग्राम के अंदर, तब तक के अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, जय हिंद भाइयों।